जय नारायण बच्चों, आज आप लोग हिंदी व्याकरण में पार्ट 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का एक ऐसा क्रमबद्ध समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। आप सभी को पता है बच्चों कि शब्दों की रचना वर्णों के मेल से ही होती है और शब्द के अंदर वर्णों का क्रम निश्चित होता है, क्योंकि अगर हमने वर्णों को जरा सा भी अलट पलट दिया तो फिर वो शब्द हमारा किसी काम का नहीं होगा, वो निरर्थक शब्द बन जाएगा। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे है कमल, तो क, क के बाद म, म के बाद ल, इन तीनों में देखिए, इस शब्द में तीनों वर्णों का जो क्रम है वो निश्चित है, तभी इसका एक सार्थक अर्थ निकल के आया। लेकिन अगर हम क की जगह पे म कर देते हैं, म की जगह पे ल कर देते हैं और ल की जगह पे हम क वर्ण कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? मलक बन जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकला। तो ये हमारा एक निरर्थक शब्द बन गया। तो बच्चों, शब्दों में जो वर्णों का क्रम होता है वो निश्चित होता है, और जब वाक्य में शब्द आते हैं तो वो पद कहलाते हैं। अब बच्चों देखिए, शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होता है जिस शब्द का कोई मतलब निकलता है, जैसे रोटी, काला, सफ़ेद, कुत्ता, बिल्ली। और अब आप समझ लीजिए कि निरर्थक शब्द क्या है, जिस शब्द का कोई मतलब नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द होता है। जैसे रोटी के साथ वोटी, वोटी कोई शब्द नहीं है। पानी के साथ शानी, शानी कोई शब्द नहीं है। तो शानी निरर्थक शब्द हो गया, पानी सार्थक शब्द होता है। तो अब इसी तरह से बच्चों, शब्दों के चार भेद हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर और चौथा हमारा प्रयोग के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर भी शब्दों के चार भेद होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी शब्द और चौथा है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका प्रयोग केवल एक अर्थ में किया जाता है वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी। इस तरह के और भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका सिर्फ एक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा हार, हार के दो मतलब होते हैं, एक गले में पहनने वाला हार और दूसरा हार जब किसी हम खेल में या किसी प्रतियोगिता में जब हार जाते हैं तो उसे कहते हैं हार। फिर है आपका जग, जग एक पानी का बर्तन भी है और जग का मतलब संसार भी होता है। अब है बच्चों समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो समानार्थी शब्द की परिभाषा क्या है? एक जैसा अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घर, घर का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या है? गृह, सदन, भवन। वृक्ष, वृक्ष का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या है? पेड़, विटप, तरु। तो इसी तरह से और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। अब है बच्चों विपरीतार्थी। विपरीतार्थी को विलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द की परिभाषा क्या है? किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे काला, सफेद, ऊपर, नीचे, आज, कल, सुबह, शाम। तो ये हमारे विपरीतार्थी या विलोम शब्द हुए। अब दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी बच्चों शब्दों के चार भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा है विदेशी या आगत शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में आकर के स्थान पा गए हैं और संस्कृत के उन शब्दों को हिंदी भाषा में वैसे के वैसे ही प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, आम्र का आम्र तत्सम शब्द है और इसका हिंदी क्या हुआ? आम। घृत, घृत को घी कहते हैं, ये आपका तत्सम शब्द है। और अग्नि, अग्नि को आग कहते हैं, तो अग्नि आपका तत्सम शब्द है। तो इसी तरह से और भी ऐसे बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। अब है आपका दूसरा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन कर
हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घट, घट को हिंदी में क्या कहते हैं? घड़ा। घट आपका तत्सम शब्द है और घड़ा क्या है? तद्भव शब्द है। सर्प, सर्प तत्सम शब्द है और सांप तद्भव शब्द है। अश्व, अश्व भी तत्सम शब्द है और घोड़ा, घोड़ा तद्भव शब्द है। तो इस तरह से और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब है देशज शब्द। देशज यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो अपने ही देश की बोली और भाषाओं से मिलकर बने हैं उन्हें हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे मुकुट, रोटी, झंकार, डिबिया, चाबुक। इसके अलावा और भी बहुत से शब्द हैं। फिर आता है आपका बच्चों विदेशी या आगर शब्द। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, विदेशी या आगर शब्द मतलब बाहर के देशों से आए हुए शब्द। ऐसे शब्द जो संसार के विभिन्न भाषाओं से आकर के विभिन्न जगहों, संसार के विभिन्न स्थानों से आकर के विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में जिनको स्थान मिल गया है उन्हें हम विदेशी या आगर शब्द कहते हैं। जैसे इसमें अंग्रेजी, फारसी और अरबी, इन सब का सम्मिश्रण होता है। आप देखिए वो कौन कौन से शब्द हैं? कोट, पैंट, शर्ट, टाई। अब अरबी शब्द कौन कौन से? मुकदमा, मुरब्बा, मुलजिम, जुलूस, ये आपके अरबी शब्द हैं। और फारसी शब्द, फारसी शब्दों में तंबाकू है, गर्दन है, दर्द है, दिल है, इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द। तो इस तरह से विदेशी और या आगर शब्दों में देखिए सभी भाषाओं का सम्मिश्रण हुआ। इसमें अंग्रेजी भी आई, फारसी भी आई और अरबी भी आई। अब है बच्चों हमारे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी शब्दों के चार भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ और चौथा संकर शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, खंड यानी कि टुकड़े, जिनका जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड नहीं किया जा सकता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथी, घोड़ा, पैर इत्यादि। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं। फिर दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बने हों और जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब जैसे देखिए सब्जी मंडी, रसोई घर, देखिए इनमें दो शब्दों का समावेश है ना, तो ये हमारे यौगिक शब्द हैं। इसके बाद है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी रचना यौगिक शब्दों की ही भांति होती है लेकिन अपने विशेष अर्थ को छोड़ करके वो कुछ अलग अर्थ देते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीतांबर, नीलांबुज, लंबोदर, निशाचर, ये सारे हमारे योग रूढ़ शब्द हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों संकर शब्द। संकर शब्द माने कि संकर शब्दों को मिश्रित शब्द भी कहते हैं, यानी कि जो दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द होते हैं उन्हें संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। उसमें आधे शब्द में एक भाषा का प्रयोग होता है और आधे शब्द में दूसरी भाषा का प्रयोग होता है। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, इसमें देखिए दो भाषाएं है ना, रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है। तो इस प्रकार से हमारे रचना के आधार पर ये शब्दों के भेद हुए। अब है चौथा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन, विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, पुस्तक, पुस्तके, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कपड़े, काले कपड़े इत्यादि। अब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें किसी भी कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे इधर, उधर, अब, तब, आना, जाना इत्यादि। इस तरह के और भी ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों आज शब्द विचार में आपने शब्द और शब्दों के बारे में जाना, शब्दों के भेद के बारे में जाना।